गुड इवनिंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आप लोग का अड्डा 24x7 बिहार में। और जैसा कि पता है घड़ी में बज चुके हैं हम लोग के 7 और हम लोग की शाम में जीएस की क्लास शुरू हो गई है ना। और जैसा कि हम लोग जीएस में पढ़ रहे हैं लगातार मुगल्स है ना, वी आर कवरिंग मुगल्स। तो सभी लोग जल्दी से पहले जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का शुरू होने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं मुगल्स में है ना। अब मुगल्स में बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। पहले सभी बच्चे का स्वागत कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोही शाह, अश्वनी, अनुष्का, अपर्णा, मीसा भारती, रोशन शर्मा, अपर्णा रंजन, पूजा शर्मा, साक्षी केशव, मीनाक्षी, निधि, सोमिया, साक्षी, संगीता एंड बहुत सारे लोग। ठीक है चलिए। अरे दीदी सर कहाँ गए? अरे दीदी, ओ दीदी सर यही है दीदी। सर कहाँ जाएंगे दीदी? ओ दीदी है ना, दीदी भैया भौजी सब लोग। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। क्लास आज की शुरू हो गई है, जिसका नाम है अब मुगल्स। मुगल्स में बच्चों मैं आपको लगातार रिमाइंड कर रहा हूँ कि मुगल्स में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं है ना सर। हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। हम लोग वी हैव स्टडीड ऑलरेडी बाबर, हम लोग बाबर पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हुमायून, क्लियर। हम लोग और क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग अकबर पढ़ चुके हैं, क्लियर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जहांगीर, हम लोग जहांगीर भी पढ़ चुके हैं। और हम लोग शाहजहान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? शाहजहान पढ़ रहे हैं। और शाहजहान में बहुत सारे चीजें हम लोग देख चुके हैं। ये सारे ग्रेट मुगल्स में आते हैं। किसमें आते हैं? महान मुगल में, ग्रेट मुगल में। ग्रेट मुगल में एक और व्यक्ति अभी आगे चलकर जुड़ेंगे, आजकल में जुड़ी जाएंगे, इनका नाम है औरंगजेब। ये इनको क्यों पीछे छोड़ेंगे? इनको भी आज या फिर आने वाले क्लास तक इनको भी ले आएंगे है ना। तो बहुत मजेदार चीजें हैं, मजा आएगा। तो दीदी और दीदी लोग पढ़ लीजिए है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मजा आने वाला पढ़ने में है ना। चलिए ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने शाहजहां के बारे में बहुत कुछ चीजें बता चुका हूँ। साहब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम है ना, बताया थे इनके दो, इनके एक और भाई थे खुसरो, जिनको जिनका आंख फोड़ दिया गया था। आंख फोड़ने के बाद इन्हीं को समा दिया गया था। बाद में उनके उनको मारने के बाद ये गद्दी बैठ जाते हैं। गद्दी बैठने के बाद ये बहुत सारी चीजें करते हैं। लाहौर में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में। इनका सबसे विवादित था इनकी शादी मुमताज महल से, बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी जगह हुई थी इनको, मुमताज महल से इतना प्यार करते थे कि 13 बच्चे ले आए थे। 14वां बच्चा देने जन्म देने के समय, अर्जुमन बानो बेगम भी नाम था उनका है ना, मुमताज महल। 14वां बच्चा को जन्म देने के समय उनकी मौत हो जाती है। और जिस समय 14वां बच्चे को जन्म दे रही थी, उस समय इनकी बेटी 17 साल की हुई थी, जिनका नाम था जहान आरा है ना। कहा जाता है जहान आरा से भी शाहजहान का विवादित रिश्ता था, बता चुके हैं आपको है ना। उसके बाद मुमताज महल के लिए इन्होंने ताजमहल, अर्जुमन बानो बेगम के लिए ताजमहल बनाए थे। जहान आरा के बारे में भी आपको बताए थे। जहान आरा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, आखिरी समय में शाहजहान के साथ साथ रही थी। बताएंगे जब इनको, शाहजहान को हम लोग मारेंगे तो इनके बारे में बताएंगे है ना, मतलब जब इनकी मृत्यु होगी तो बताएंगे। इनके आखिरी दिनों में यही शादी थी। उसके बाद जहान आरा की भी मृत्यु होती है, जिनको साहिबे उज जमानी की उपाधि मिलती है ना। ये भी बहुत खतरनाक कहानी है। उसके बाद बच्चों इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इमारतें बनाए थे, जिसमें ताजमहल के बारे में आपको बताया था कि ताजमहल की मीनार बाहर की ओर झुकी हुई है। क्यों बाहर की ओर झुकी हुई है? क्योंकि भूकंप अगर आए तो ये मेन मीनार खराब ना हो। बताए बच्चों, ये जो हम लोग ताजमहल को देखते हैं, ये पीछे का सीन है, आगे का सीन यमुना के तरफ से है ना। शहनशाह उधर के नाव के तरफ से आते थे, चबूतरा पे उतरते थे। चबूतरा पे उतरने के बाद ये क्या करते थे? अपने जो भी आते थे उनको विजिट करवाते थे। तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा धरोहर में है। बताया जाए ताजमहल में बहुत लोग शैतानी करते हैं, बहुत लोग प्यार मोहब्बत लव लपाटा भी करते हैं, और बहुत लोग शैतानी भी करते हैं। बहुत लोग ताजमहल को चोंगा से पकड़ उठा लेते हैं, पता नहीं कैसे उठा लेंगे, पता नहीं है ना। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प भी आए थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने दिलजीत दोसांझ के साथ, उनके मिलियंदर ट्रम्प ने फोटो खिंचा लिया, ऐसा एडिट कर दिया, रियल फोटो नहीं है। तो ये कबीर सिंह बन के निकल जाते हैं। किसने 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 छुआ मेरे प्रीति को? प्रीति नहीं, मिलियंदर ट्रम्प को, क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग ये भी पढ़े थे। उसके बाद ये वाला चोंगा उठा के, पता नहीं क्या चोंगा वाला कहानी है, पता नहीं क्यों ऐसे आप लोग करते हैं। आखिर में इसकी क्या फैक्ट है, क्यों आप लोग उठाते हैं, ये मुझे आज तक पता नहीं चला है ना। तो ये भी आपको हम बता चुके हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, पहले बच्चों सभी लोग लाइक करिए, तब मजा आने वाला है, क्लियर। तो ये भी बहुत खतरनाक कहानी है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रिंस ऑफ लंदन भी आए थे, इंग्लैंड के जो है, ब्रिटेन के प्रिंस वो भी आए थे अपनी वाइफ के साथ। उनके बाद बस जेफ बेंजोस वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन वो भी आए थे है ना, अपनी पत्नी के साथ। अब तो स्मार्ट हो गए बेंजोस ने, अभी ओरिजन ब्लू मिशन भी किए थे है ना, ये अंतरिक्ष में गए थे, अभी 11 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटे हैं, ये इसका वीडियो मैं बनाया हूँ है ना। तो उसके बाद ताजमहल क्या मौसुलियम है बच्चों, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। ये याद रखिए बच्चों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1983 में है ना।
उसके बाद जो ताजमहल का ये जो पैमाने हैं, ताजमहल के नजदीक जाइएगा तो ताजमहल आपसे दूर जाता जाएगा, ताजमहल से आप दूर जाइएगा ताजमहल आपके नजदीक आया जाएगा। तो इस तरह से एंट्रेंस बनाया गया। ये बच्चों ये वाला फोटो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहीं पे इनको गिरफ्त करके रखा जाता है, किनको, शाहजहां को, औरंगजेब द्वारा, और यहीं से बेचारे ताजमहल को देखते रहते हैं। ताजमहल को देखते 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 कितना खूबसूरत लग रहा है बच्चों, पर द ब्यूटीफुल सीन, मतलब ऐसा इतिहास में बहुत बड़ा चीजें है ना। अच्छा टेबल श्रापित है संगीता, कौन बोल दिया आपको वो टेबल श्रापित, वहां जो जो बैठा था पर डाइवोर्स हो गया, ऐसा कौन बोल दिया आपको? कहां लंदन वाले प्रिंस का डाइवोर्स हुआ है? तब तो मेरे, मैं अगर शादी करूंगा मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा चलेगा तो मैं अपनी पत्नी को ले आके उसी टेबल बैठा दूंगा है ना, और फिर डाइवोर्स हो जाएगा क्या, वकील का खर्चा बच जाएगा। अच्छा बच्चों ये भी बताए थे कि ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा पे है। उसके बाद यहाँ पे ईरानियन भाषा में लिखा हुआ है, हे आत्मा तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह, तथा उसी कि परम शांति तुझ पर बरसे, है ना। तो ये बहुत खतरनाक बच्चों, राजस्थान के मकराना से यहाँ पे लाया गया था क्या, सफेद संगमरमर, पंजाब, श्रीलंका, अरब, चाइना, अफगानिस्तान, तिब्बत से महंगे महंगे मोतियां लाई गई थी, है ना। हाँ मैं खिड़की के बगल में बैठा हूँ, है ना। अच्छा, और उज्बेकिस्तान से भी बहुत बच्चे बच्चे बहुत बड़े बड़े कारीगर आए थे, हाथियां आई थी 1,000 हाथियां भी, है ना। उसके बाद अबनू और मोहगनी ट्रेक पेड़ से इनको बनाया गया था, बताए थे अबनू मोहगनी पेड़ का क्यों इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मोहगनी पेड़ ऐसे पेड़ है जिसको मॉइस्चर होने के बाद, है ना, नमी के बाद वो और मजबूत हो जाती है, क्लियर। उसके बाद बच्चों कुछ ऐसे तेजोस महालिया यानी पुरुषोत्तम नागेश ओक ने कहा था 1989 में ताजमहल द ट्रू स्टोरी में, कि यहाँ पे पहले शिव जी की मंदिर हुआ करती थी, लेकिन इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरह खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, फालतू चीजें हैं। उसके औरंगजेब, ये शाहजहां का मन था कि मेरे जिस तरह मैंने अपनी पत्नी के लिए मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया हूँ, अर्जुमन बानो बेगम के लिए, उसी तरह यमुना के दूसरी तरफ मेरे लिए काला ताजमहल बनाया जाए, ब्लैक ताजमहल। लेकिन औरंगजेब बोला कि इतना खर्च मेरे पिता कर चुके हैं, मेरे पिता बहुत अय्याश है, मारेंगे पिता को, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, है ना, और पिता के लिए कुछ नहीं बनवाएंगे। इन्होंने पिता को वहां पे क्या कर दिया, बोला जाओ अपने पत्नी के पास, जिस पत्नी के साथ 14 बच्चा लाए थे उसी पत्नी के बगल में तुमको दफना देते हैं, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती है। बताया था बच्चों वर्ल्ड वार के समय में और पाकिस्तान से युद्ध के समय में ताजमहल को ढक दिया गया था। क्यों ढक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इस पे हमला किया जा रहा था और बोला था इसको बर्बाद कर देंगे, इसलिए। तो यहाँ पे बच्चों मुमताज महल और शाहजहां दोनों का टॉम मकबरा है, दोनों इसी तरह से आपस में अगल बगल में, तू मेरे अगल बगल है, तू मेरे अगल बगल है ना, एक गाना सुने होंगे। तो दोनों को अगल बगल में दफना दिया गया और मजेदार तरीके से दोनों वहीं पे रह के बात करते हैं। मुमताज महल बहुत गुस्सा करती है, बोलती है तुम ना 14 बच्चा लाते और ना मेरी मौत होती। शाहजहां बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत थी, मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को तुम पे प्यार दिखाने से, ना हम जो तुम्हारे तुम्हारी खूबसूरती पे मेरा प्यार रुक ना सका, इस चक्कर में 14 बच्चे हो गए, क्रिकेट टीम से भी ज्यादा, है ना। ले बच्चों उसके बाद इन्होंने किसको बनाया बच्चों, लाल किला को। लाल किला दिल्ली में, बच्चों बताए थे कल आपको, लाल किला दिल्ली में बनाया गया था। लाल किला को भी विश्व मतलब धरोहर में शामिल किया गया है। लोग कहते हैं ताजमहल बनाने वाला का शाहजहां ने हाथ कटवा दिया था, अगर शाहजहां ताजमहल बनाने वाला का हाथ कटवा देता तो उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का नक्शा, आर्किटेक्चर बनाया था, तो क्या होता, तो वहां क्या होता है बच्चों, तो वहां पे आज के डेट में उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही लाल किला का भी नक्शा बनाया था। तो वहां हाथ कटाने की बात इसलिए मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, ये सब कहानी मोम माया वाली कहानी है, क्लियर। उसके बाद बच्चों यहीं से 15 अगस्त को लाहौरी गेट से यहाँ पे झंडा 15 अगस्त को फहराया जाता है हर साल, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2007 में लाल किला को शामिल कर दिया गया था, क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लाहौरी गेट क्या बच्चों, मेन रेड गेट का एंट्रेंस है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। लाहौरी गेट लाल किले के मुख्य द्वार है, जिसका नाम लाहौर शहर की ओर से उन्मुखीकरण के लिए रखा गया है। एक गाना सुने होंगे, लाहौर सी लगती है ना, कौन सा है, गुरु रंधवा का गाना है, सुनिए। लड़की को बोलती है तुम लाहौर सी लग रही हो, मतलब कुछ भी, मतलब शहर जैसे लग रही हो, शहर से लगेगी क्या, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं ना, मतलब कह रहे हैं कि तुम, लगता है तुम लाहौर से आई हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, मतलब गुरु रंधवा पूरा फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, है ना, पाकिस्तानी लड़की के साथ। तो इस तरह के कांड होते हैं बच्चों देश में हमारा, पता नहीं कितने, एक से एक आशिक है दुनिया में, है ना। तो बच्चों लाहौरी गेट क्यों बताइए बच्चों, ये गेट जो है लाहौर की तरफ खुलता था, इसलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट पड़ा, है ना। इंडिपेंडेंस डे के दिन हर साल यहीं पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी वहीं से झंडा फहराए और वहीं से बच्चों देश को संबोधित किए, क्लियर।
उसके बाद एक था दिल्ली गेट। कभी जाने का मौका मिलेगा बच्चों आपको दिल्ली, तो पुरानी दिल्ली जब जाइएगा, तीन रेलवे स्टेशन मेन है वहां दिल्ली का। एक है आनंद विहार, जितने बिहार और झारखंड और यूपी से ट्रेन जाता है सबको आनंद विहार में रोक देते हैं ना, क्योंकि बोरिया वोरिया लेके जाते हैं ये लोग, यहाँ के कुछ लोग हैं कमाने के लिए, तो मैक्सिमम ट्रेन को वही रोक दिया जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, एक है न्यू दिल्ली, एक पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के पास है, और पुरानी दिल्ली कभी भी जाइएगा यमुना नदी को पार करने के साथ ही आ जाती है क्या, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना, बहुत गंदा सा पानी महकेगा, समझ जाइएगा यमुना नदी पार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर दिए उनको हम लोग। तो जैसे पार होता है आपको ट्रेन से लाल किला दिखेगा, जो ट्रेन से भी लाल किला दिखेगा है ना, तो याद रखिएगा। हाँ लाहौर की लगती है ना, लाहौर की। हाँ गाना तो बिना पढ़ाए सर आप कहीं पूछिए ना सर हम लोग को कि कौन गाना कौन गाया है, कौन गाना में किसको कौन आशिक पटाया है, ये सब हम बता देंगे, लेकिन पढ़ाई का चीज पूछिए नहीं बताएंगे है ना। डेंजर डेंजर होते हैं, लड़कियां लोग तो खूब गाना सुनती है, लड़का लड़कियां लोग लड़का को गाली देगी, अरे लड़का बदतमीज ये छेड़ रहा है मुझे, 2 दिन लड़का छेड़ देगा और तीसरा दिन लड़का लड़की को नहीं छेड़ता है, लड़की खुश होती है, आ हमको काहे नहीं देख रहा है, आ हमको काहे नहीं छेड़ रहा है। तो लड़कियां लोग भी डेंजर होती है ना, सबको बना देंगे हम पेशावर, जो लड़की नहीं पढ़ेगी सबको हम पेशावर भेज देंगे, क्लियर। तो सुनिए वो जो दिल्ली गेट इज द सॉदर्न पब्लिक एंट्रेंस इज सिमिलर टू द लेआउट एंड अपीयरेंस टू द लाहौर गेट। टू लाइफ साइज स्टोन एलिफेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ गेट फेस ईच अदर। कहा जाता है बच्चों जिस तरह से दिल्ली गेट, जिस लाहौर गेट है उसे दिल्ली गेट भी है। दिल्ली गेट पे बच्चों 2 हाथी हैं, दोनों हाथी एक दूसरे को फेस किए हुए हैं। और भी कुछ ये सुनिए बच्चों, सबसे मजेदार और सबसे अच्छी चीज बच्चों, इसी लाल किला के अंदर एक बाजार है, उस बाजार का नाम है छत्ता चौक। क्या नाम है बच्चों? छत्ता चौक। एक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, छत्ता चौक इज फेमस मार्केट इज फाउंड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तो छत्ता चौक जो है बच्चों ये जो है कहाँ है बच्चों, ये लाल किला में है, 3300 ईयर ओल्ड मार्केट इनसाइड रेड फोर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया गया है कि छत्ता चौक या फिर याद कीजिए बच्चों लाल किला जो हम लोग देखे थे आगरा में, वहां भी मीना बाजार था है ना, तो वहां पे मीना बाजार आगरा में बनवाने वाले कौन थे, वहां पे अकबर थे। यहाँ पे जो बनाने वाले छत्ता चौक थे वो छत्ता चौक भी एक तरह से मीना बाजार है ना, यहाँ पे लोग आते हैं मार्केटिंग करने। पूछता है बच्चों छत्ता चौक किस मुगल साम्राज्य के इमारत में पाई जाती है, छत्ता चौक कहाँ पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा दिल्ली हो जाएगा, या थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो लाल किला दिल्ली हो जाएगा, क्लियर। देखिए बच्चों, वेयर सिल्क ज्वेलरी एंड अदर आइटम ऑफ इंपीरियल हाउसवेयर वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। यहाँ पे सिल्क बेचा जाता था बच्चों, यहाँ पे ज्वेलरी सोने चांदी जेवरात बेचे जाते थे है ना। वास अर्लियर नोन एज बाजारे मुसफक, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको पहले बोलते हैं बाजार ए मुसफक या छत्ता बाजार, बोथ मीनिंग रूफ्ट मार्केट है ना, रूफ्ट मार्केट था। लाहौरी गेट के निकट छत्ता चौक या मीना बाजार है, जहां मुगल काल के दौरान शाही घराने के लिए रेशम आभूषण या अन्य सामान बेचा जाता था। इस बाजार को पहले बाजार ए मुसक्कफ या चट्टा बाजार, दोनों का अर्थ छत वाला बाजार है ना, के नाम से। देखिए बेसिकली बाजार खुला हुआ होता था है ना, अब बाजार खुला हुआ होता था रूफ टाइप का, मतलब कपड़े कर्टेन लगा के, लेकिन ये होता था बच्चे इसको घेरा हुआ बाजार है, तो इस पीछे बाजार भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगला बच्चों, अगला है नौबत खाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। कोर्ट के पूर्वी दीवार के अब अलग थलग नौबत खाना है, जिसे नक्कर खाना के नाम से भी जाना जाता है। संगीत प्रतिदिन निर्धारित समय पर बजाया जाता था, रॉयल्टी को छोड़कर सभी को उतरना पड़ता था। कहा जाता था कि बाद में मुगल बादशाह जहांगीर शाह और फरुखरीद की यही हत्या हुई कर दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन द ईस्ट वॉल ऑफ द कोर्ट स्टैंड नाउ आइसोलेटेड नौबत खाना, ऑल्सो नोन एज नक्कर खाना। म्यूजिक वॉज प्लेड डेली एट द शेड्यूल टाइम एंड एवरी वन एक्सेप्ट रॉयल्टी वेर रिक्वायर्ड टू डिसमाउंट। लेटर मुगल किंग जहांगीर शाह एंड फरुखसियार आर सेड टू हैव बीन मर्डर्ड हियर। देखिए बच्चों, जब आपको पोस्ट मुगल से हम पढ़ाएंगे, पोस्ट मुगल में 2 नाम आएंगे बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे पोस्ट मुगल, टेंशन नहीं लेना है। एक का नाम था जहांदर शाह और एक का नाम था फकुरसियार शाह।
दोनों को बच्चों यहीं पे मारा गया था, है ना। यहाँ पे क्या होता था बच्चों, यहाँ पे संगीत बजाता था, उस संगीत बजाने के बाद सभी लोग को डिसमाउंट होना पड़ता था, मतलब आना पड़ता था अपने हथियार को रख के, मतलब सभी को एक रेस्पेक्ट अपने शासनकर्ता के लिए दिखाना पड़ता था। क्लियर, याद रखिएगा। उसके बच्चों दीवाने आम तो खूब सुने बच्चों, जहां भी दीवाने आम आएगा वहां पे दीवाने खास भी आएगा। दीवाने आम जो है बच्चों, दीवाने आम में बच्चों क्या होता है, पब्लिक ऑडियंस बताए। दीवाने आम वहां भी था, कहां था बच्चों, फतेहपुर सिकरी महल में, जब अकबर ने बनवाया था। दीवाने आम में ये आम लोगों से मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे। और दीवाने खास में बच्चों या इंपॉर्टेंट लोगों से मिलते थे, जो लोग बच्चों इनके साथ, जिसके साथ डिस्कशन करना होता है। अब वहां पे बताएंगे बच्चों, एक तख्त भी था, तख्त भाई आगे दिखाएंगे आपको। क्लियर। उसके बाद नहर ए विशिष्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, या में पूछा गया क्वेश्चन है कि नहर ए विशिष्ट विशिष्टो, नहर ए विशिष्टो क्या है, स्टार लगा लीजिए बच्चों, नहर ए विशिष्टो क्या है, स्टार लगा लीजिएगा। तो ये ध्यान से बच्चों, शाही अपार्टमेंट में किले के पूर्वी किनारे पर एक ऊंचे मंच पर मंडपों की एक पंक्ति है जो यमुना नदी के दृश्य पेश करती है। मतलब बड़े बड़े इमारत बने बच्चों, कहा जाता है बच्चों नहर विशिष्ट क्या है कि देखिए, अभी हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, फैन लगा लेते हैं। जिस समय ये लोग थे, शाहजहां, अकबर, जहांगीर वगैरह जब देश चला रहे थे, क्या उस समय एसी था क्या बच्चों, क्या उस समय कूलर था क्या? ना एसी था ना कूलर था। तो महल को ठंडा रखने के लिए वो लोग क्या करते थे, महल के अंदर से ही पानी की लहर निकालते थे। जैसे ये महल है, महल के अंदर से ही पानी की लहर जाती थी, वो पानी की लहर क्या होती है, ठंडा पेश करती थी, है ना। तो ये यमुना को भी पेश करती थी। सुनिए ध्यान से, मंडप एक नहर से जुड़ी हुई है जिसे नहर विशिष्ट के रूप में जाना जाता है, जो प्रत्येक मंडप के केंद्र होकर गुजरती है। किले के उत्तर पूर्वी कोने में एक मीनार शाही बुर्ज के माध्यम से यमुना से पानी खींचा जाता था। मतलब पानी को ला के इमारत के बीचों बीच से बहाया जाता था ताकि ठंडा पेश हो। अब बहुत खतरनाक है बच्चों, महल को कुरान में वर्णित स्वर्ग का अनुकरण करने के लिए डिजाइन, देखिए बच्चों कुरान में कहा गया है कि जन्नत वही बसती है जहां पे मतलब गार्डन से होते हुए, महल से होते हुए नहर बहे। जहां पे नहर बहती है गार्डन से, या फिर किससे बच्चों, गार्डन से या फिर किससे, इमारतों से अगर झरना नहर बहे, तो बोला जाता है बच्चों वहीं पे क्या होता था, है ना, वहीं पे होता था बच्चों क्या, जन्नत बसती थी। तो एक तरह से इमारतों को ठंडा करने के लिए, देखिए बच्चों किस तरह से होता था। देखिए यह इमारत है बच्चों, और यह जो प्लैंक देख रहे हैं, इस प्लैंक से पानी आती थी, क्या बच्चों, पानी आती थी। और यह पानी यमुना से आकर, और यमुना क्योंकि बच्चों आगरा वाला भी लाल किला यमुना के नजदीक है, और दिल्ली वाला लाल किला भी यमुना के नजदीक है। दिल्ली वाला लाल किला जो दीवार है बच्चों यमुना के नजदीक है। तो यमुना से पानी खींचा जाता था और इमारत के बीचों बीच से बहाया जाता था ताकि ये इमारत को ठंडा महसूस कर सके। सोचिए बच्चों क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे लोग उस समय। अभी तो हम लोग जो एसी का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे बताया बच्चों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल गुडविल एम्बेसडर कौन थी, दिया मिर्जा। बताया था बच्चों मॉर्निंग वाले क्लास में पढ़ाए थे, दिया मिर्जा कौन थी, यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर है बच्चों, एनवायरमेंटल गुडविल एम्बेसडर। और दिया मिर्जा ने प्रण लिया है कि ना मैं एसी कार का इस्तेमाल करूंगी और ना मैं एसी का इस्तेमाल करूंगी अपने घर में। क्यों? ताकि एनवायरमेंट को क्लोरो फ्लोरो कार्बन या एमोनिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो इस समय बच्चों सोचिए, इमारत को ठंडा करने के लिए क्या खूबसूरत साइंस। मतलब आज के डेट में बच्चों, मतलब एक बात और समझने की बात बच्चों, आज जो इतने भी फाउंटेन्स, जितने भी झरने आपको दिखते हैं, वो बिना मोटर के नहीं चल सकते हैं। मोटर से पानी खींचा जाता है फिर फाउंटेन झरना बनाया जाता है। सोचिए बच्चों उस समय क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि यमुना से पानी ला के इसके बीचों बीच से बहाना, बिना इलेक्ट्रिसिटी का, बिना बिजली का, बिना किसी चीज का। बात समझ में? तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये पानी बहती थी और ठंडे ठंडे पानी इस तरह से निकलती थी, और ये जाने के बाद इस तरह से धीरे धीरे यमुना में जाके मिल जाती थी और पूरे इमारत को ठंडा कर देती थी। तो याद रखिए बच्चों, पूछा गया है नहर ए बिहिस्तो, नहर ए विस्ट इंग्लिश में कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है, ये क्या था। तो याद रखिए बच्चों, इट ए कूलिंग सिस्टम फाउंड इन द मिनरेट्स ऑफ द मुगल्स इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। लाल किला दिल्ली में ऐसा एक बनाया गया था जिसमें मीनार को ठंडा रखने के लिए बीचों बीच से पानी बहती थी। कुरान को फॉलो किया गया था इसमें, जहां से पानी बहती वहीं से जन्नतें भी है। सच में बच्चों, दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल
गुडविल एम्बेसडर है बच्चों वो, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान भी दिया है ना। आप लोग की तरह नहीं कि गर्मी लग रहा है एसी चला लिए, पंखा डुलाइए, पंखा याद है बर पूजा में पंखा होकते हैं इस तरह से अपने पति को, उस तरह से पंखा होकिए। पहले जमाना में लाइट जब कटता था बिहार में, मुझे याद है बाबूजी पापा लोग खाना खाने बैठते थे तो मम्मी लोग पंखा होकती थी, मेरे पति परमेश्वर आइए आपको पंखा होकते आप खाना खा लीजिए। और आज के डेट में पत्नी पंखा को उल्टा कर देती है ना। पंखा ऐसा होता है बच्चों, पंखा ऐसा होता है आजकल, लाठी उल्टा करती है, मारती पंखा पति को, भाग पंखा हो गया आपका। तो रियलिटी कुछ और है बच्चों, आज दुनिया बदल गया है। क्लियर। अगला बच्चों मुमताज महल। अब देखिए बच्चों शाहजहां ने इसको बनवाया हुआ है, जिस तरह बच्चों याद कीजिए अकबर जब बनवाया था तो अपनी पत्नी के लिए आगरा के लाल किला में उन्होंने बनवाया था क्या, जोधाबाई महल। याद है बच्चों जोधाबाई महल बनाया था, लेकिन यहाँ पे इनके पत्नी का नाम क्या था, मुमताज महल। तो पत्नी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं लोग, है ना। लड़के लोग आप लोग भी अपने पति के लिए, पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनवाइएगा। अच्छा ठीक है, हफ्ते हैं क्या क्या बोल रहे हैं आप, तो थप्पड़ जड़ देती है आजकल तो लड़की लोग, खलनायक डेंजर है, मार मार के सर पड़ देती है लड़का लोग का, नहीं है ना बच्चों। आजकल लड़की सुनने वाली नहीं है, पीट देगी आपको। या के बच्चों इस तरह अकबर ने, अकबर कौन थे बच्चों, इनके दादाजी थे, दद्दू थे। किनके दादाजी, शाहजहां के दादाजी अकबर थे। उन्होंने अपनी पत्नी जोधा बहन जोधाबाई के लिए उन्होंने बनाया क्या, जोधाबाई महल। तो ये पीछे कहाँ रहने वाला है, तो ये भी अपने पत्नी के लिए बना दिया मुमताज महल, है ना। तो मुगल के दो सबसे दक्षिण मंडप जो जिनका महिला क्वार्टर है, जिसमें मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी अर्जुमंड बानो बेगम मुमताज महल के लिए बनाया गया मुमताज महल शामिल है। यही है मुमताज महल, जिसमें मुमताज अपने अच्छे दिन को काटी होगी, अच्छे दिन में रही होगी। और सबसे खतरनाक बात बच्चों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, दिखता होगा आप लोगों को, तो देखिए यहाँ भी एसी लगा हुआ है, जूम करके उधर इमेज नहीं जा रहा है आपको, यहाँ भी एसी लगा हुआ दिखेगा, है ना ठीक बच्चों। तो ये एक खतरनाक चीज है। तो मुमताज महल इसी में अपना जिंदगी बिताती थी, खुश रहती थी, है ना। वहीं जाते थे चुप चुप के मिलने के लिए, कौन शाहजहां जाते थे, दोनों में प्यार प्रसंग होता था, तभी तो 14 बच्चा आया। नहीं अगला बच्चों रंग महल। रंग महल क्या है बच्चों, द लार्जर रंग महल रिसोर्ट फॉर रॉयल वुमेन। सुनिए बच्चों, बड़ा रंग महल शाही महिलाओं के लिए एक रिसोर्ट है। रिसोर्ट मतलब बच्चों जहां पे आप जाते हैं घूमने फिरने खाने पीने, है ना। तो बच्चों रंग महल में सम्राट की पत्नियां और रखेले रहती थी, मतलब जो उनका अफेयर चलता। जैसे बच्चों याद कीजिए मैंने आपको बताया था हरम, हरम याद है बच्चों, फतेहपुर सिकरी महल के अंदर हरम था, जिसमें 5,000 रानियां उपरानियां किन्नर सभी लोग रहते थे। वहां पे जाने का अनुमति केवल किसको था बच्चों, राजा को। वहां पे कोई भी पुरुष नहीं जा सकते थे सहिंसा को छोड़कर। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे सुंदर सुंदर कन्या रहती थी। रंग महल, रंगों का महल कहते हैं इसको, क्योंकि इसे चमकीले ढंग से चित्रित किया गया था और दर्पणों के मौजके से सजाया गया था। केंद्र संगमरमर पुल के नहर विशिष्ट, बच्चों सुनिएगा यहां से, इसके अंदर भी नहर विशिष्ट लाया गया था। अब नहर विशिष्ट लाने का पर्पस क्या था इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी सहिंसा को और महारानियों को अगर गर्मी लगेगा तो नहर विशिष्ट उनको ठंडा कर देगा, माहौल बनाएगा ठंडा ठंडा, कुल कुल नवरत्न तेल वाला, है ना। ले बच्चों तो याद रखिए बच्चों ये है, ये पहले का पिक है, और ये रंग महल आज के डेट में ऐसा हो गया है क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया और अंग्रेज ने भी बहुत तोड़फोड़ किया था इसको, है ना। तो ये दोनों में अंतर है। तो इसमें रानियां रहते थे, इसमें रहते थे अकबर, ये शाहजहां की प्यारी प्यारी इनका जो भी सेटिंग वेटिंग था उन सब सेटिंग के लिए बनाए थे ये, है ना। जैसे आप लोग भी अपनी सेटिंग के लिए एसी वेसी लगा देते, बोलती बहुत गर्मी लग रहा है, तो बोलती तुम ही टेंशन ना लो, आमी तुम्हारे के लिए एसी लगाए, है ना, एसी लगा देते हैं। प्यार भी एक अजीब चीज है, भगवान ने क्या बनाया है, लड़का और लड़की में अट्रैक्शन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब ये भी एक अजीब चीज है बच्चों, एक लड़का और एक लड़की में अट्रैक्शन होता है, दोनों में प्यार हो जाता है, और प्यार के चक्कर में क्या से क्या हो जाता है ना, पूरा बॉलीवुड इसी टिका हुआ है। हाँ तो यार क्या बच्चों, ये रियल आज का फोटो है, टूडेज ये आज का फोटो है, और ये उस समय का था, तो आप थोड़ा टूट फूट गया है, बर्बाद हो गया है, लेकिन ये था बच्चों रंग महल। अगला बच्चों एक और है यहाँ पे, खास महल। लाल किला में बच्चों एक खास महल है, ये दिख रहा बच्चों, दिस इज खास महल। क्या है खास महल बच्चों, खास महल सब ऐसे मुगल एम्पायर प्राइवेट रेसिडेंट इन दिल्ली,
स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन साइड रेड फोर्ट विच इज द लार्ज डिफेंसिव एंड गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन साइड सिटी। ये खास महल था बच्चों, उसके सुनिए, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, चैम्बर ऑफ टेलिंग ब्रीज जिसको बोलते हैं विज तासिक खाना, स्लीपिंग चैम्बर, ख्वाबगाह। देखिए भाई कितना प्यारा प्यारा नाम है बच्चों, उर्दू में उर्दू के अल्फाज बच्चों बहुत प्यारे होते हैं ना। टेलिंग बीट्स जहां पे बच्चों लोग एक दूसरे से बात करते थे उसको बोलते थे भी तासीब खाना, स्लीपिंग जहां सोते थे बच्चों वो लोग कहते थे ख्वाब बाग, मतलब ख्वाबगाह, मतलब जहां पे सपना देखते थे, वार्ड्रोप तोसा खाना, वार्ड्रोप क्या होता है बच्चों जहां पे सामान वाम रखते हैं, सिटी रूम बैठक, बैठक तो अभी बोलते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट टावर ईस्ट ऑफ खास महल इज कॉल्ड ऑक्टर्नल टावर, मुथमन बुर्ज है ना, द एम्पायर वुड एड्रेस हिज सब्जेक्ट वेरी मॉर्निंग इन द सेरेमनी झरोखा दर्शन। कहा जाता है बच्चों यहीं पे साइंसा जाते थे और साइंसा अपने लोगों को झरोखा मतलब अपना चित्र दिखाते थे, देखो मैं तुम्हारा साइंसा यहाँ पे हो। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चों खास महल जिन्हें खास काम होता था। ख्वाबगाह कितना प्यारा नाम है बच्चों, ख्वाबगाह। आज से मैं नहीं बोलूंगा मैं सोने जा रहा हूं, मैं बोलूंगा आज से मैं अपने ख्वाबगाह में जा रहा हूँ है ना, मैं अपने स्लीपिंग बेडरूम में जाऊंगा। तो आज से बेडरूम मत बोलिएगा आप लोग, आप लोग घर में बोलिएगा मम्मी मम्मी आई एम गोइंग टू माई ख्वाबगाह। देखिएगा उधर से उड़ता हुआ बेलन आएगा आपके सर पे मारेगा धड़ीम से, आपका याददाश्त चला जाएगा, आप बोलेंगे मैं कौन हूं मैं कहाँ हूं है ना, बहुत खतरनाक बच्चों। उसके बाद बच्चों हमाम, ये बहुत खतरनाक बच्चों। एक बच्चों याद कीजिए बच्चों, एक हमाम साबुन आता था, याद है बच्चों आप लोग देखें कभी, एक हमाम साबुन आता था, देखें कभी हमाम साबुन, हमाम मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक तरह से नहाने का जगह था जहां पे राजा नहाते थे है ना, बहुत खतरनाक बच्चों। कहा जाता है यहाँ पे झरने लगे हुए थे, फाउंटेन, जिस झरने से गुलाब जल आता था बच्चों, मतलब गुलाब जल आते थे और राजा उसमें जाते थे और गुलाब जलों में नहाते थे, सुगंधित पूरा वातावरण को सुगंधित कर देते थे है ना। तो सुनिए बच्चों, हरमशाही स्नानगार था, एग्जाम में आया गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, व्हाट वाज हमाम, हमाम क्या था, तो हमाम जो है बच्चों स्नानागार है, द बाथिंग है ना, बाथिंग एरिया, इंपीरियल बाथ ऑफ मुगल्स है ना, मुगल्स के नहाने के जगह को कहते हैं। ये बच्चों क्या नाम था, हमाम, सुनिए बच्चों, शाही स्नानगार जिसमें सफेद संगमरमर के पैटर्न वाले फर्श के साथ तीन गुंबददार कमरे थे, तीन कमरा था इसके अंदर बच्चों, इसमें गलियारे से अलग तीन अपार्टमेंट होते थे और गुम्बदों के साथ ताज पहनाया जाता है, अपार्टमेंट रंगीन कांच के रोशनदान से रोशन थे, मतलब सुंदर सुंदर कांच लगाया गया था। सोचिए बच्चों आजकल लड़कियां जो गुलाब जल खरीदती है, इतना बड़ा डब्बा खरीदती है 50 टका में, नहीं 50 रुपए में इतना डब्बा आता है, ऐसे रुई लेती है, ऐसे रुई में ले लेके ऐसे लगा लेती है लड़की लोग ऐसे से ना, ताकि अपना अब चेहरा ठीक कर सके। इतना सा गुलाब जल का डब्बा, इतना सा रुई, ऐसे ऐसे उसी मखा मखा के लड़की लोग ऐसे लगा लेती है। पहले जमाने बच्चों सोचे गुलाब जल से साहिंसा नहाते थे, तो वो साहिंसाए हिंदुस्तान में तो थे, आप लोग साहिंसाए अपने घर के भी नहीं है, आप लोग घर में इज्जत नहीं मिलता होगा। सुनिए बच्चों ध्यान से, माना जाता है कि वर्तमान प्रवेश द्वार के दोनों ओर के दो कमरे का उपयोग शाही बच्चों द्वारा स्नान के लिए किया जाता था, मतलब बच्चों आगे में दो कमरे थे, बच्चे को नहलाया जाता था, पूर्वी अपार्टमेंट जिसमें तीन फवारा बेसिन है, फवारे बेसिन मुख्य रूप से ड्रेसिंग रूम के रूप में उपयोग किया था बच्चों, वहां पे फवारा बहता था और ड्रेसिंग रूम मतलब रानियां सुंदर सुंदर से वस्त्र पहन के तैयार होती थी, राजा अपने पूरे फॉर्म में आते थे एकदम तैयार व्यार होके एकदम फॉर्म में है ना। अकबर, मुझे मुगल का एक चीज पसंद बच्चों की, मुगल हमेशा फॉर्म में रहते थे, फॉर्म मतलब वेल ड्रेसिंग में, वेल तरीके से दाढ़ी को एकदम खिलजी स्टाइल, आजकल को लड़के लोग को देखिए खिलजी स्टाइल लगता है, जितने लड़के दाढ़ी रखते हैं सब खिलजी स्टाइल है ना। देखिए बच्चे सुनिए ध्यान से, अंदर सुंदर सुंदर कांच होता था, उस सुंदर सुंदर कांच में जब लाइट पड़ता था लाल नीला हरा पीला, और वो लाइट गिरने के बाद जब नहाते थे राजा महाराजा, तो उसका मजा ही कुछ और था। और आजकल के बाथरूम पटना में एक रूम लीजिएगा, इतनी कंजेस्टेड रूम बनाते हैं, लाइट भी नहीं आता है ना, तो अगर लाइट भाग गया तो अंधेरे में नहाना पड़ेगा मोमबत्ती जला के, सोचिए बच्चे उस समय इतनी रोशनी आती थी। अरे लड़कियों को बेहतर अच्छा लगता है आप लोग नालायक, सब गुलाब जल खत्म कर दिए। अच्छा ठीक है, अगला सुनिए बच्चों, कमरे के केंद्र में एक फवारा खड़ा था और कमरे में से एक में दीवार में बनाया गया एक संगमरमर का जलाशय था, जैसे कि केवंती है सुगंधित गुलाब जल, सुनिए बच्चों ध्यान से, सुगंधित गुलाब जल का एक बार नल है, नल से बहता था है ना, गुलाब जल एक नल से बहता था,
पश्चिम अपार्टमेंट का उपयोग गर्म या वाष्प स्नान के लिए। बच्चों एक होता है स्टीम बाथ, सुने बच्चों स्टीम बाथ मतलब एक नल से निकल रहा है गुलाब जल, एक नल से निकल रहा है गर्म पानी, एक नल से निकल रहा है भाप। सोचिए बच्चों नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजली नहीं है, फिर भी उस समय गर्म पानी मिलता था। कोई बिजली नहीं है फिर भी स्टीम बाथ। तो शाही लाइफ स्टाइल, इसकी पश्चिमी दीवार में हीटिंग की व्यवस्था तय की जा रही थी। मतलब सुनिए बच्चों वही बात है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द सेंटर ऑफ द ईच रूम स्टूड ए फाउंटेन झरना एंड वन ऑफ द रूम कॉन्टेन ए मार्बल रिजर्वायर बिल्ट इन टू द वॉल एस ए लेजेंड गोस, जिसमें जैसे इसमें लेजेंड जाते थे राजा महाराजा। परफ्यूम रोज वाटर वंस रेन फ्रॉम द टैप, मतलब इसे सुगंधित पान मतलब रोज वाटर बच्चों गुलाब जल निकलते थे। द वेस्टर्न अपार्टमेंट यूज ए हॉट एंड वेपर बाथ, मतलब पानी स्नानगार बाष्प एकदम जरा जबरदस्त तरीके से, है ना, तरीके से एकदम आता था गरम गरम पानी एकदम नहाइए एकदम। तो हमाम क्या था बच्चों, इनका स्नानागार था जिसमें लोग नहाने जाते थे। इसी में बच्चों राजा महाराजा बैठ जाते थे इसमें और मस्त होके बैठते थे एकदम, जाम पीते थे, गरम पानी गुलाब जल एकदम सुगंधित सुगंधित माहौल, मजेदार माहौल, है ना। हाँ टावर का गुलाब जल है ना उसका सीन। अब जो जो लगाए वही जाने, यही था बच्चों जगह का नाम है ना, ये है, यही था बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जगह। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज हमम, हमाम क्या था बच्चों, बाथिंग हाउस स्नानागार था जहां मुगल शासक जाते थे गुलाब जल से भाप से और गर्म पानी से स्नान करते थे। और स्नान तो ऐसे यहाँ में पूछ देता है व्हाट इज हमाम, वहां दे देगा स्नानागार, वहां दे देगा क्या सभागार, है ना, या फिर दे देगा कुछ और ऐसे लिख के दे देंगे आपको। तो याद रखिएगा नहाने का जगह था। हाँ आप लोग बच्चों एक कहानी सुन सुन के मुझे लगता है इमेजिनेशन करते होंगे कि आप शाहजहां ऐसे बैठा हुआ है, मुमताज महल उनकी बाहों में है, गरम गरम गुलाब पानी आ रहा है, उधर से गुलाब जल आ रहा है, साबुन नहीं होता था गुलाब जल से ही नहाते थे। डोंट गेट इमेजिनेशन, ज्यादा सपना मत देखिए। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार था, है ना। अगला बच्चों यहीं पे एक बावली है, क्या है बच्चों बावली, सुनिए बच्चों ध्यान से, ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको लिखने मिलेगा पेपर में, डिस्क्रिप्टिव मेंस के पेपर में लिखने मिलेगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन, बता रहे कल से बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, राइट द डिफरेंस बिटवीन आगरा रेड फोर्ट एंड दिल्ली रेड फोर्ट, तो ये सब लिखना पड़ेगा। आकांक्षा बोली इमेजिन, इमेजिनेशन करेंगे मारेंगे मुक्का भी। देखिए बच्चों बाउली क्या था बच्चों, द स्टेप वेल इज वन ऑफ द फ्यू मोमेंटम दैट मॉन्यूमेंट डेट वेर नॉट डिमोलिश बाय द ब्रिटिश आफ्टर द इंडिपेंडेंट रिवॉल्यूशन 1857। देखिए बच्चों बाउली क्या था बच्चों, यहाँ पे सीढ़ियां बनी थी दो साइड से, है ना, और बावली जाके नीचे बच्चों ट्यूबवेल, नीचे कुआं था। याद कीजिए बच्चों एक करेंसी है इंडिया का जिसमें भी बच्चों भाप की फोटो है, जिसमें सीढ़ियां बना हुआ है, जिसमें रानी की बाग, सुने बच्चों रानी की बाग की फोटो है जिसमें सीढ़ियां बना हुआ नीचे कुआं है। उसी तरह से बच्चों मुगल के समय में भी यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई थी और नीचे कुआं था जहां पे लोग जाते थे डीप कुआं में पानी वानी को स्टोर किया जाता था। रेड फोर्ट बावली यूनिकली डिजाइन विद टू सेट्स ऑफ स्टेयरकेस लीडिंग डाउन टू द वेल, दो तरफ से सीढ़ियां थी, है ना, सीढ़ियां थी जहां पे कुआं से जाते थे कुआं में पानी वानी भरने के लिए लोग। रानी की भाप है ना फोटो में भी है, तो इसी तरह रानी की भाप की तरह ही ये भी है। ले बच्चों उसके बाद मोती मस्जिद, मोती मस्जिद भी इसके अंदर था बच्चों, इसको पर्ल मोस्क कहा जाता है। अ लेटर एडिशन वाज बिल्ट इन 1569 एज ए प्राइवेट मोस्क फॉर एम्परर। सुनिए बच्चों कि ध्यान से, मोती मस्जिद शाहजहां ने नहीं बनवाया था, मोती मस्जिद दो जगह होगा बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, एक बात सुनिएगा ध्यान से एकदम, दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है खास करके सीजीएल में। मोती मस्जिद दिल्ली में कौन बनवाया था, और मोती मस्जिद एक और आएगा आगे चलकर वो कौन बनवाया था। उसी तरह शालीमार बाग दो है बच्चों, एक लाहौर में है और एक कश्मीर में है, तो ये दो क्वेश्चन बनेगा। मोती मस्जिद बाद में जोड़ा गया था किसके लिए बच्चों, औरंगजेब के लिए। 1658 में तो मौत हो जाती किसकी, शाहजहां की, लेकिन बाद में क्या किया गया, एक मोती मस्जिद को यहाँ पे जोड़ा गया। यह मोती मस्जिद औरंगजेब के लिए खास तरीके से बनाया गया था ताकि औरंगजेब आके इसमें अपना नमाज पढ़ सके। क्लियर। अगला बच्चों हयात बख्श बाग, हयात बख्श बाग मतलब होता है बच्चों क्या, गार्डन, है ना, तो यहाँ पे एक गार्डन बनाया, इसके अंदर गार्डन है बच्चों। आज के डेट में यह गार्डन आपको ऐसा लगेगा, है ना, पहले गार्डन ऐसा हुआ करता था, तो यहाँ पे बच्चों सहनशाह जाते थे इसके अंदर बैठते थे, और बैठने के बाद बच्चों बाग का मजा लेते, चारों तरफ से पानी से घिरा होता था, रिलैक्सेशन महसूस होता था। जैसे गार्डन में आप लोग जाते हैं ना शाम के समय में मिलने के लिए अपने सेटिंग से, है ना, बोलते आओ गार्डन में, जाते गार्डन में कोने में कुर्सी में बैठ जाते हैं, कोना में ही कांड करते हैं आप लोग, नहीं।
यहां भी बच्चों क्या था, बाग था जहां पे लोग मिलते थे अपने अपने लोगों से। क्लियर, याद रखिएगा। हाँ, चारों तरफ पानी। अगला सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, तो वो सब जितनी चीजें बताए आपको वो सारा चीज कहाँ था बच्चों, दिल्ली के आगरा में, दिल्ली के लाल किला में, है ना। अब जो है बच्चों शाहजहां के कुछ और, ये शाहजहां ने अच्छे अच्छे लड़ाइयां नहीं की, शाहजहां ने अच्छे अच्छे इमारत दिए जिसका धरोहर में, विश्व के धरोहर में अभी भी आता है। तो इनमें से एक और इनका है, तो देख लिया बच्चों हम लोग दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया, दिल्ली के लाल किला में कितने इंपॉर्टेंट चीजें थे वो देख लिए। अब देख लिए बच्चों जामा मस्जिद है ना, जामा मस्जिद भी कहां है बच्चों, दिल्ली में। कहां है बच्चों जामा मस्जिद, दिल्ली में। सुनिएगा बच्चों, मस्जिद जहां नुमा है ना बच्चों, वर्ल्ड रिफ्लेक्टिंग मोस्ट कॉमनली नोन एज जामा मस्जिद इन दिल्ली, वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट इन इंडिया। ये भारत में एक बहुत बड़ा मस्जिद है बच्चों, जिसे बनाने वाले कौन थे बच्चों, ये बच्चों याद रखिएगा। तो यहाँ बच्चों अभी तो कुछ नहीं बच्चों, जब पोस्ट मुगल आपको पढ़ाएंगे हम, तो पोस्ट मुगल में बच्चों अकबर टू भी आएंगे अभी, तब क्या कीजिएगा, वहां पे अकबर टू भी आ जाएंगे है ना, वहां पे आपको बहादुर शाह जफर भी आएगा, बहादुर जफर टू भी आएगा। ये तो ग्रेट मुगल्स पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ऐसे बन जाएंगे डीएमएसपी डीएसपी डीआईजी। संगीता बता रही है शाहजहां आसिकी में ही जिंदगी गुजार दिए, अरे आसिकी चक्कर में इतने अच्छी इमारत मिल गए है ना। सुनिए बच्चों ध्यान से, ये कहाँ है बच्चों, जामा मस्जिद दिल्ली में है, और जामा मस्जिद बहुत खूबसूरत सा मस्जिद है, इसको बनाने वाले कौन थे बच्चों, और इसको अभी कंट्रोल कर करते हैं गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली वक्त बोर्ड है ना, दिल्ली वक्त बोर्ड क्या करती है इसका मतलब इसके मॉनिटरिंग करने का काम करती है। क्लियर, उसके बच्चों इन्होंने वजीर खान हाउस बनाया था, वजीर खान मस्जिद कहाँ है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हम लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया में कंट्रोल, इंडिया तक हम लोग को लिमिट नहीं रहना है। एक मस्जिद का नाम है वजीर खान मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सीवीएस में 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वजीर खान मस्जिद को बनाने वाले कौन थे। तो वजीर खान मस्जिद बच्चों लाहौर में है, पाकिस्तान में, पंजाब में, इनका भी निर्माण कौन, शाहजहां ने करवाया था। और बच्चों सबसे अच्छी बात है, इसको भी यूनेस्को में शामिल करने की चल रही है कवायद, कुछ दिनों में इसको शामिल कर दिया, टेंटेटिव लिस्ट, मतलब अभी यूनेस्को में पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन पूरी तरह से आ जाएगी। क्लियर बच्चों, याद रखिएगा वजीर खान मोस्ट कहाँ है बच्चों, लाहौर पाकिस्तान में, याद रखिए बच्चों। पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन है, लाल किला दिल्ली, उसके बाद जामा मस्जिद दिल्ली, वजीर खान मस्जिद, वजीर खान मोस्ट कहाँ है, लाहौर पाकिस्तान में, ये भी इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। तीसरा बच्चों मोती मस्जिद। अब आ गया क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजीएल में तो 17 से 18 बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों ये वाला। मोती मस्जिद अगर बात करेंगे बच्चों, मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाने वाला, तो शाहजहां होगा किसके लिए बना था, औरंगजेब के लिए। अगर मोती मस्जिद लाहौर में बोलेगा बच्चों, सुनिए बच्चों, मोती मस्जिद आगरा के लाल किला में शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो शाहजहां के मौत के बाद 1659 में है ना, 1659 में औरंगजेब के लिए बनाया गया था, किसके लिए, औरंगजेब के लिए स्पेशल मस्जिद बनाया गया था, मोती मस्जिद था। लेकिन अगर आपको पूछेगा मोती मस्जिद लाहौर में कौन बनाया, तो मोती मस्जिद लाहौर में शाहजहां बनवाया था। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अरे मनीषा भारती, आज सुबह का क्लास की थी आप, आज सुबह हम आपको मस्जिद व मंदिर पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया है ना, सब मंदिर पढ़ाए हैं, कौन बोल दिया नहीं फेमस है, आज ही सुबह तो क्लास लिए हैं, आज सुबह ही तो पढ़ाए हैं। संगीता कुमारी मारेंगे राइट क्वेश्चन, आज सुबह ही पढ़वाए हैं, 10 बजे वाला क्लास प्लेलिस्ट पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। क्लास नहीं करेंगे कहां पता चलेगा, आप जो आप सोचते हैं मैं पहले सोच लेता हूं, मुझे पता है बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सर इतना मस्जिद पढ़ा रहे हैं, मंदिर भी तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसे पहले मंदिर ही पढ़ा दिया आपको। ले बच्चों तो याद रखिएगा, दो मस्जिद देख लिए, मोती मस्जिद औरंगजेब के लिए बनाया गया था लाल किला के अंदर उनके मृत्यु के बाद, और मोती मस्जिद लाहौर बनाने वाले कौन थे, शाहजहां थे। उसके बच्चों शालीमार गार्डन आ गया क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा इसको भी,
स्टार लगा लीजिए बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मोती शालीमार गार्डन लाहौर में बनवाने वाले कौन थे बच्चों? शाहजहां है। शालीमार गार्डन बच्चों टूरिस्ट प्लेस में आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1981 में शामिल किया गया है। यह बच्चों क्या है? शालीमार गार्डन लाहौर में। एक शालीमार गार्डन आगे भी चलकर आएगा बच्चों, शालीमार बाग आएगा बच्चों, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर? और शालीमार गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में बनाने वाले कौन थे बच्चों? जहांगीर। क्लियर? सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, मोती मस्जिद आगरा में, ये मोती मस्जिद लाल किला दिल्ली में बनाने वाले और शाहजहां नहीं थे, लेकिन लाहौर वाले बनाने वाले शाहजहां थे। शालीमार गार्डन लाहौर बनाने वाले कौन थे बच्चों? शाहजहां थे, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1981 में शामिल कर दिया गया है। बहुत खूबसूरत सा है, पानी फाउंटेन से घिरा हुआ, टूरिस्ट लोग आते हैं। क्लियर? और एक शालीमार गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों, जो कि इनके पप्पा बनाए थे, है ना, और यह जो पानी जाती है और जाके बच्चों यहीं पे है, डल लेक। क्या बच्चों? डल लेक है। शालीमार बाग, निशात बाग, है ना, ये सब बच्चों डल लेक को घिरा हुआ है। डल लेक के बगल में, डल झील के बगल में यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल है, और यहीं पे लोग जाते हैं रोमांटिक सीन मनाने लिए। फूलों के बीच में पाव जाते हैं, लड़की फूल सूंघ रही है, सब फिजिक्स है बच्चों। ये लड़की क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि फिजिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ पे रखा भी है ना। अगर फिजिक्स में आपको पूछा जाता है बच्चों, अगर आप लोग साइंस पढ़े हैं फिजिक्स वगैरह, तो हम लोग को निकालने पड़ता था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीओजी पढ़े बच्चों फिजिक्स में, तो ये लड़की क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि इस लड़की के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल लग रहा हो कहीं पे, है ना, जिसके कारण ये गिर नहीं रही है। दोनों के बीच में रोमांस हो रहा है। आप जम्मू एंड कश्मीर जा भी सकते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में जमीन भी खरीद सकते हैं, वहां के लड़कियों से शादी भी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीओजी। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। शालीमार बाग अगर पूछेगा लाहौर में बनाने वाले थे कौन? शाहजहां। शालीमार बाग बोलेगा अगर जम्मू एंड कश्मीर बनाने वाले कौन? इनके बाबूजी। बाबूजी का नाम जहांगीर। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जाइए आप लोग भी फूलों के बीच में जाके, इसी तरह से लड़की देखिए सूंघते सूंघते नीचे गिर गई है, लड़का बोल रहा है मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, है ना, और लड़का भी ज्यादा हीरो बन रहा है, पेड़ पकड़ लिया, देखिए ध्यान से, वो सोच लड़की सोच रही कितना स्ट्रॉन्ग है, इज ए माचो मैन, है ना, माचो मैन नहीं है, इन्होंने पेड़ को पकड़ लिया है। क्लियर? तो जाइए, और मैचिंग कपड़ा ही पहनी है, पिंक पिंक, लड़का बेचारा फालतू कपड़ा पहन लिया है, तो अच्छा स्मार्ट बन के जाना चाहिए था मेरे तरह, है क्या? नहीं। हाँ, ये दोनों भी फूल है, एक चमेली का फूल और एक गेंदा का फूल है। हाँ, गजब फिजिक्स है। चलिए ठीक। अगला बच्चों, महावत खान मोस्ट कहाँ है बच्चों? महावत खान मस्जिद। महावत खान मस्जिद पेशावर पाकिस्तान में बच्चों, यह भी मस्जिद बहुत फेमस है बच्चों। महावत खान मस्जिद पाकिस्तान में है बच्चों, यह मस्जिद जो बनवाने वाले शाहजहां है, और कहा जाता है बच्चों इस मस्जिद के मीनार जो है बच्चों, इस मस्जिद के मीनार को फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए बच्चों? फांसी देने के लिए। कहा जाता है प्रतिदिन 5 लोगों को, 5 पर्सन को प्रतिदिन यहाँ पे फांसी दी जाती थी। तो सुनिएगा ध्यान बच्चों, महावत खान मस्जिद की मीनार का इस्तेमाल अक्सर सिख काल में कैदियों को फांसी देने के लिए किया जाता था। प्रतिदिन 5 लोगों को मीनारों से फांसी दी जाती थी, फांसी के विकल्प के रूप में, है ना। तो याद रखिए बच्चों, पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में कि शाहजहां ने किस मस्जिद का निर्माण किया था जिसमें लोगों को फांसी दी जाती थी? तो याद रखिए बच्चों, मस्जिद का नाम है महावत खान मस्जिद, कहां है? पेशावर पाकिस्तान में। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोग जानते होंगे दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां, ये वगैरह थी, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जान रही हूँ बच्चों। महावत खान मस्जिद कभी सुने भी नहीं होंगे कि महावत खान मस्जिद कहाँ है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। उसके बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मुझे डेफिनेटली पता है आप लोग नहीं सुने होंगे, एक बच्चों कुतुब मीनार है, और हमारे हिंदुस्तान में ही बच्चों एक मिनी कुतुब मीनार है। यही क्वेश्चन पूछ के आधे लोगों का दिमाग हिला दिया गया था, लोग जानते ही नहीं थे कि हमारे हिंदुस्तान में मिनी कुतुब मीनार है। अरे कितने लोग जानते हैं बच्चों, हमारे हिंदुस्तान में ही मिनी कुतुब मीनार है। सुनिए बच्चों, इन हत्साल विलेज इन उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली इंडिया, है ना। देखिए बच्चों, अभी जो है मेहरोली में कुतुब मीनार है, और अगर उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में जाइएगा तो वहां पे मिनी कुतुब मीनार है बच्चों। और बच्चों यह बनाया गया किसे? 1650 में बनाया गया था, शेर किसके लिए बच्चों? शाहजहां के लिए। कहा जाता है बच्चों इसकी ऊंचाई है 16.87 मीटर, अगर उसका उस कुतुब मीनार की बात करेंगे तो 72.5 मीटर है, और इसका कितना है बच्चों?
16.87 है ना। तो याद रखे मिनी कुतुब मीनार, ये क्वेश्चन पूछ के आधे लोगों दिमाग हिला दिया था, लेकिन मैं दावा करता हूं आज जो जो क्लास कर लिए हैं वो तार ठोक के बोल देंगे। कभी अपने क्लास में अपने टीचर को पूछ दीजिएगा कि सर मिनी कुतुब मीनार कहाँ है, नहीं बता पाएंगे लोकल टीचर, ये गारंटी मैं देता हूँ। पूछिएगा एक बार कि सर मिनी कुतुब मीनार कहाँ है, वेर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं सिविल्स की वो बता भी देंगे। हाँ मनीषा भारती कर रही है, मुझे पता था, दांत तोड़ देंगे अभी, है ना। तो याद रखिएगा, पूछिएगा एक बार अपने गुरुजी लोग से जो जो क्लास लेते हैं नॉर्मल क्लासेस आपका। तो सुनिए बच्चों ध्यान से, क्या होता है बच्चों मिनी कुतुब मीनार, मिनी कुतुब मीनार जो है बच्चों इसके आसपास इन्होंने बनाया था क्या, इनके जगह थे, मतलब कहा जाता है बच्चों जब ये शिकार करके आते थे तो शिकार करके आने के बाद यही बगल में रेस्ट करते थे और इस मिनी कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के देखते हुए थे शिकार वगैरह को। तो ये बहुत फेमस है बच्चों मिनी कुतुब मीनार, ये ग्रेड ए लिस्टेड प्रोटेक्टेड हेरिटेज मॉन्यूमेंट विद डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल इंडिया, मतलब ये पूरी तरह बर्बाद हो रही है बच्चों, इसको ग्रेड ए में रखा गया। ग्रेड ए मतलब ऐसे धरोहर जो कि पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पे है। तो इसे कहते हैं बच्चों मिनी कुतुब मीनार, उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में है और इसे बनाने वाले कौन थे, शाहजहां। और यार कुतुब मीनार की कहानी अलग है, कुतुब मीनार की कहानी है बच्चों, कुतुब मीनार जो है ये बड़ा कुतुब मीनार है बच्चों, ये कुतुब मीनार को बनाने वाले कौन थे, इस कुतुब मीनार को बनाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, चार लोगों ने इसको बनाने में योगदान दिया था। लेकिन मिनी कुतुब मीनार बच्चों यह जो है बच्चों 72.5 मीटर की है और यह वाला जो है बच्चों देखिए 16.87 मीटर की, तो बहुत ज्यादा छोटा है बच्चों, 16.87 मीटर की, एकदम शहर के बीचों बीच है, एकदम बर्बाद होने देखिए बच्चों, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा है मिनी ताजमहल, इसी के बगल में घर है। यहाँ पे देखिए दो आंटी बैठ के मजे ले रही है जिंदगी का, नहीं दो आंटी मजा ले रही है, एक अंकल यहाँ हरा हरा कपड़ा पहन के सो रहे हैं। तो एकदम कंजेस्टेड जगह पे है, ग्रेड ए के लिस्ट में रखा गया है और दिल्ली में कबूतर बहुत मिलेगा, तो जाइएगा बच्चों ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा। तो एक अच्छा चीज है बच्चों की मिनी ताजमहल भी, मिनी कुतुब मीनार भी हमारे हिंदुस्तान में है, क्लियर। तो इसके बारे में बताएंगे आपको कुतुब मीनार की कहानी, जब दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सपना देखा था बनाने का शुरुआत भी कराया था, उनकी मौत हो गई चौगान पोलो खेलने के दौरान, उसके बाद उसका दामाद आया था इल्तुतमिश, आराम शाह उसका बेटा था, उसके बाद उसके दामाद आए थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसको निर्माण को पूरा कराया 3 फ्लोर तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने आया तो 2 और मीनार बनवाए उन्होंने, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे बचाया बताया क्या एंट्रेंस गेट बनाए थे, अलाई दरवाजा है ना, चार चार लोगों ने योगदान दिया है। हाँ एकदम कंजेस्टेड हो गया, बगल में घर बना हुआ है, याद रखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जान गए बहुत अच्छी बात, उत्तम नगर दिल्ली में है ये मिनी कुतुब मीनार, क्लियर। अच्छा बच्चों एक और देखिए, दीवाने खास में बच्चों, दीवाने खास में ये शाहजहां ने अपने लिए एक बहुत सुंदर सा बच्चों बनाए थे क्या, पीकॉक थॉर्न, वॉज ए फेमस ज्वेल थॉर्न डेट वॉज सीट ऑफ द एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर इंडिया, इट वॉज कमीशन इन अर्ली 70s बाय एम्पायर शाहजहां, वॉज लोकेटेड इन दीवाने खास ऑफ प्राइवेट ऑडियंस एंड मिस्टर रूम द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, इट वॉज नेम्ड आफ्टर ए पीकॉक एज द टू पीकॉक आर सॉन डांसिंग एट इट्स रियर। देखिए बच्चों इस ये जो है बच्चों पीकॉक थॉर्न बोलते हैं इसको बच्चों, है ना, पीकॉक थॉर्न जो है मयूर मयूर सिंहासन भी इसको कहते हैं ना, जो बगल वाले जब जाते हैं कुतुब मीनार में चढ़ जाते होंगे। देखिए बच्चों जो डेली बगल में रहता है उसको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ट्रेन वेन देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, एरोप्लेन देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। जाइएगा दिल्ली बच्चों कभी तो दिल्ली में पालमपुर है ना, पालमपुर जगह है बच्चों, पालमपुर क्या है एयरपोर्ट के नजदीक में ही है, तो वहां के लोग एरोप्लेन देख के थक गए हैं तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ पटना के गोलघर बच्चों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, लेकिन गोलघर पे कोई ध्यान नहीं दिया गया बच्चों, इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, गोलघर के सब कुछ टूट रहा है, पेंट खराब हो गया, लेकिन सब पैसा नेता लोग खा जाता है। हाँ बच्चों नादिर शाह, ये पिकॉक सिंहासन बच्चों बहुत खतरनाक है, इस पे नजर किस था, अंग्रेज का भी नजर था और इसमें नादिर शाह का भी नजर था, है ना, नादिर शाह पानीपत के तीसरी लड़ाई के टाइम में बच्चों अब्दाली भी आया था, अहमद शाह अब्दाली, तो उनका भी नजर था, ये बहुत खूबसूरत था बच्चों, इस पे दो मोर है, तो पीकॉक थॉर्न इसके बहुत खूबसूरत था बच्चों, एकदम मतलब इतना खूबसूरत है बच्चों था ये पीकॉक आसन और इसके आसपास नकाशी बहुत जरूरत था, है ना। तो ये था बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम लोग पढ़े इनके इंपॉर्टेंट निर्माण के बारे में, क्लियर। एक चीज और देख लीजिए बच्चों,
देखिए इनके पिता जहांगीर जो थे वो सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मारे थे, याद करिए बच्चों। सिख के पांचवें गुरु थे जो थे गुरु अर्जुन देव, उनको मारने वाले कौन थे? जहांगीर, क्योंकि उनको लगा था कि खुसरो मिर्जा को मदद करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, है ना। तो अब इसने बच्चों सुनिएगा ध्यान से, इनके पिता इनका बेटा शाहजहां ने भी सिख के छठे गुरु गुरु हरगोविंद को, है ना, गुरु हरगोविंद को मरवाए थे। सुनिए बच्चों ध्यान से, द रिवेलियन ऑफ सिख लेड बाय द गुरु हरगोविंद टुक प्लेस एंड इन रिटर्न शाहजहां ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिख गुरुद्वारा इन लाहौर। तो बच्चों इन्होंने क्या किया था, देखिए सिख के पांचवें गुरु अपने पिता का बदला ले रहा था, गुरु अर्जुन देव का बदला ले रहा था, कौन? गुरु हरगोविंद, है ना, गुरु हरगोविंद का बेटा, फिर गुरु तेज बहादुर आ जाएंगे। तो सिख नानक वाज द सिक्स्थ ऑफ द 10th गुरु ऑफ सिख रिलीजन, ही हैड बिकम द गुरु एट द यंग एज ऑफ 11, 11 साल में बन गए थे, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज फादर गुरु अर्जन बाय द मुगल एम्पायर जहांगीर इन फ्रंट ऑफ हरगोविंद हरमिंदर साहेब इन अमृतसर, गुरु हरगोविंद कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त रिप्रेजेंट द हाइएस्ट सीट ऑफ द अर्ली अथॉरिटी ऑफ द खालसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, है ना। सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव को वो करने वाले कौन बताए, मरवाने वाले कौन थे? उनको बले थे बच्चों, तावा जलता हुआ ताला तावा बैठा दिए थे, खौलता हुआ तेल उनके शरीर में डाल दिए थे। जब वो उनकी मौत हुई थी तो 11 साल के थे, कौन बच्चों? 11 साल के थे, कौन? ये क्या बोलते हैं, गुरु हरगोविंद। और गुरु हरगोविंद ने अपने पिता का बदला लेने के लिए बगावत शुरू किया। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, गुरु हरगोविंद किनके खिलाफ बगावत किया था? किसके खिलाफ? शाहजहां के खिलाफ। और उसके बाद बच्चों अकाल तख्त की शुरुआत कौन की है? अकाल तख्त क्या होता है बच्चों, जो गुरु में जो सिख में सबसे टॉप क्लास का पोस्ट होता था उसको बोलते हैं अकाल तख्त। अकाल तख्त का कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिख, है ना। तो खालसा का भी शुरुआत किए थे, मतलब खालसा बच्चों क्या होता है, सिख के समूह को बोलते हैं खालसा, और उनके जो प्रमुख होते थे उनको बोलते हैं अकाल तख्त। तो अकाल तख्त का शुरुआत करने वाले कौन थे? सिख गुरु। और इनके बाद गुरु थे गुरु तेज बहादुर, इनके बेटे आएंगे तेज बहादुर, दूर ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए थे बच्चों, ये 46 साल के आसपास जिंदा रहे थे। क्लियर बच्चों, याद रखिएगा सब बात, याद रखिए बच्चों। पांचवा गुरु जहांगीर के समय में उनका बेटा गुरु हरगोविंद, जिन्होंने शाहजहां के खिलाफ बगावत किया, इनके बाद इनका बेटा आएगा तेज बहादुर जो औरंगजेब के खिलाफ बगावत करेगा। क्लियर, अकाल तख्त की शुरुआत करने वाले सिख के पांचवें ये छठे गुरु थे। अकाल तख्त क्या होता था बच्चों, खालसा, खालसा सिख के समूह को खालसा कहते थे, उनके प्रमुख को कहते थे हम लोग अकाल तख्त के नाम का सीमाए थे। तो बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है ये भी, आपके सिख के पांचवें गुरु गुरु हरगोविंद, है ना बच्चों। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शाहजहां को मारेंगे, बहुत शाहजहां को पढ़ लिए, है ना, शाहजहां को मारेंगे। और शाहजहां को मारने के बाद इनके बेटे के बीच में लड़ाई करवाएंगे, तारा सिखो शाह सुजा मुराद एंड औरंगजेब, इन चारों बेटे की लड़ाई गद्दी के लिए, फिर औरंगजेब को गद्दी बैठाएंगे, फिर हम लोग का ग्रेट मुगल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग और भी आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ये बच्चों आज के लिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और 2 टाइम क्लास को जरूर कीजिए, एक सुबह 10 बजे और एक संध्या 7 बजे, है ना, सुबह 10 बजे और संध्या 7 बजे मिलेंगे टुमारो। थैंक यू एवरीवन, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर 24/7 चैनल। ऑल्सो डाउनलोड आवर 24/7 ऐप। Don't forget to like, share, and subscribe our 24/7 channel. Also, download.